तो देखो भाई क्या मस्त ग्रेवी बनी है यार। देख रहे हो भाई इस उम्र में भी इतना काम करना पड़ रहा है। और मुंह देखा आपने, थोड़ा सा शायद जला हुआ था। बाकी मैंने भी अभी 10 से 15 किलो वजन के साथ बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़नी है, तो चलो भाई फटाफट से चढ़ लेते हैं। बाकी देख सकते हो चारों ओर चीड़ चीड़ के पेड़। तो चलो भाई फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू नाइट कैंपिंग वीडियो में। बाकी आज फिर से आया हूँ भाई सोलो, और इस सोलो ट्रैक में जो है बहुत आफत आ चुकी है भाई, क्योंकि इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। बाकी रोड तो थी पर रोड से बहुत लंबा हो जाता, तो चढ़ाई चढ़ के मैं यहाँ पे पहुँचा। बाकी अभी के लिए आगे को और चलना है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर और चलता हूँ, फिर एक प्यारी सी लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ से एक अच्छा सा व्यू मिले, साथ ही हम अपना टेंट पिच कर सकें। तो चलो भाई ये रही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, और व्यू देखे जरूर बताना भाई ये व्यू आपको कैसा लग रहा है। बाकी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, तो तब तक मैं टेंट वगैरह पिच कर लेता हूँ, उसके बाद जाके मुझे लकड़ियाँ भी कलेक्ट करनी है, लेकिन पानी तो मैंने भर लिया, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे खूब सारी लकड़ियाँ हैं, तो फटाफट से मैं इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ ही अपनी कैंपिंग लोकेशन पर भी लेके चलता हूँ, क्योंकि रात होते ही ये मेरे बहुत काम आने वाली। बाकी आज का डिनर भी मैं इन्हीं लकड़ियों से बनाऊँगा, तो ये लकड़ियाँ मेरे लिए परफेक्ट है, तो सारी मैं एक बार ले लेता हूँ, उसके बाद जाके चलते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। तो चलो भाई अब जाके एक छोटे से टाइम लैप्स के साथ अपना टेंट पिच कर लेते हैं, उसके बाद जाके कॉफ़ी वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हल्का सा जुकाम भी लगा है और साथ ही ठंडा काफ़ी हो रहा है, तो उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे। तो चलो तो देखा आपने क्या मस्त सा सनसेट हुआ, अब जाके कॉफ़ी बनाने की तैयारी करते हैं, और सबसे पहले मैं जो है सामान निकाल लेता हूँ मस्ते से। देखो भाई आज मैं लेके आया हूँ बारबेक्यू, बाकी इस पे ही आज का अपना खाना बनाएंगे। तो चलो भाई सबसे पहले जो है कॉफ़ी बना लेते हैं, उसके बाद जाके आपसे मिलते हैं। तो देखो लकड़ियाँ मैं ला चुका था आगे, तो अभी जाके मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वरना मुझे अब जाके लकड़ियाँ लाना पड़ता, तो कुछ चीज़ें मैंने ठीक कर दी जो मैंने पहले ही रख ली।
टेंट देख सकते हो आप पीछे मेरा, जो मैंने अभी बस इतना ही लगाया हुआ है। इसके ऊपर का कवर जो है, जैसे हल्की सी रात होती है तो उसे भी लगाना मैं शुरू करता हूँ। बाकी पहले मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे गड्ढे में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है भाई इधर, तो मुझे काफ़ी सेफ्टी के साथ जो है रहना पड़ेगा कैंपिंग पे। तो चलो भाई, सबसे पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है काफ़ी। तो चलो सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे तो थोड़ा सा गला ठीक हो जाएगा मेरा। बाकी देखो आज की वीडियो जो है सोलो होने वाली है। चलो भाई, दूध हल्का सा उबल चुका है तो इसमें चीनी डाल देते हैं। तो देखो अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी बनने वाली है थोड़ी सी देर में, और उसके बाद जाके मैं पॉपकॉर्न बना लूँगा। आज पॉपकॉर्न बनाऊँगा, बाकी पॉपकॉर्न बनाने के लिए सामान निकाल लेता हूँ। चलो भाई कॉफ़ी बन चुकी है, अब सबसे पहले कॉफ़ी निकाल लेते हैं और पॉपकॉर्न के लिए रख देते हैं बर्तन। चलो भाई बर्तन गर्म हो चुका है तो पॉपकॉर्न डाल लेते हैं। तो चलो भाई रेडी है अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी और साथ में पॉपकॉर्न, तो फटाफट से इस व्यू के साथ एंजॉय करते हैं भाई, क्योंकि कभी कभार कॉफ़ी निकाल टेंट में वो मज़ा नहीं है भाई जो इस व्यू के साथ है। तो आज पहली बार मैं व्यू के साथ कॉफ़ी पीऊँगा। चलो भाई अब जाके गर्मा गर्म कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। साथ में पॉपकॉर्न भी। वाह भाई, अब जाके थोड़ी सी कॉफ़ी पी के गले को थोड़ी सी राहत मिली है। और आज देखो आसमान में फुल मून आया हुआ है, बाकी शायद आज पूर्णिमा का दिन है। तो चलो भाई फटाफट कॉफ़ी के साथ पॉपकॉर्न एंजॉय कर लेते हैं। और राइट दोस्तों, फाइनली अब जाके जो है काफ़ी टाइम के बाद यहाँ से जो लोग हैं वो चले गए, क्योंकि ई स्पोर्ट जो है थोड़ा ज़्यादा ही लोग यहाँ आते हैं। बाकी अब थोड़ा ठंडा भी होने लग चुका है, तो सबसे पहले मैं टेंट की जो बाहर की लेयर है उसे लगा लेता हूँ, उसके बाद जाके आगे की कुकिंग करता हूँ। बॉनफायर अपनी कंटिन्यू जली रहेगी जब तक कि मैं यहाँ सो नहीं जाता हूँ, तब तक मैं बॉनफायर को जलाए रहूँगा। बाकी अब खाने बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिश बता देता हूँ भाई आपको, आज की डिश रहने वाली है अपनी चिकन के साथ राइस रहने वाली है। तो नॉर्मली जो है अपनी डिश रहेगी, साथ ही थोड़े से मैं चिकन के पकौड़े बना लूँगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आज पकौड़े खाने का काफ़ी मन कर रहा है। साथ ही ग्रेवी की चिकन भी होगी जो कि चावल के साथ खाऊँगा, और पकौड़े तो बस ऐसे बनाऊँगा। और आपको बता दूँ सामने रामायण चली हुई, तो रावण का कैरेक्टर आया है, हंस रहा है, बाकी बोल रहा है कि रावण झुक जाएगा पर मरेगा नहीं। तो चलो भाई उसी के साथ हम भी अपना डिनर रेडी करते हैं भाई। तो चलो भाई सबसे पहले चावल बना लूँगा और चावल धो लेता हूँ। चलो भाई अब जाके चावल जो है चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, बाकी लकड़ा मेरे पास बहुत है तो छोटे छोटे लकड़ा मैं डालते रहूँगा इस पर। साथ ही अगर रामायण की आवाज़ आपको भी आ रही है तो उसे भी साथ में एंजॉय करते रहिए, तो मुझे तो प्रॉपर आ रही है,
मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी अभी तक तो मुझे कोई डर नहीं लग रही है सोलो पे, क्योंकि भाई जो रामायण है वो सुनाई दे रहा प्रॉपर और लाइटिंग मेरे पास प्रॉपर है। बाकी शायद आज पूरी में तो मून जो है काफ़ी ज़्यादा रोशनी दे रहा है, तो जिससे यहाँ चारों ओर उजाला हुआ है। बाकी अभी के लिए तो चावल बना लेते हैं, इसके बाद जाके मैं चिकन बनाने की तैयारी करूँगा। तो जब तक जो है बाहर पे अपने चावल बनने, मैं चॉपिंग कर लेता हूँ तब तक। तो चलो भाई टमाटर धो लें अच्छे से, और साथ ही सोलो में क्या ही ज़्यादा बनाऊँगा, इतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा। भाई क्या ही मिर्च वाला प्याज है, आंखों पर बहुत मिर्च लग रही थी। तो भाई अब जाके मेरी चॉपिंग भी हो चुकी है और चावल भी बन चुके हैं, तो सबसे पहले इस चावल उतार लेता हूँ। तो चलो भाई बढ़िया करके बन चुके हैं, अब इसे ढकाई रह दूंगा ना, ये तब तक ठंडे हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब मैं चिकन पकौड़ा बना लेता हूँ, और ठंडे देखो काफ़ी बढ़ चुकी है। जब तक जो है तेल अपना गर्म हो रहा है, तो चिकन पे जो है मैं मसाले लगा लेता हूँ। बाकी पीस बहुत बड़े हैं और बाहर देख सकते हो क्या तगड़ी आग जली हुई है, तो मुझे सारा काम जल्दी करना पड़ेगा वरना तेल सारा जल जाएगा। तो चलो भाई एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये रही मिर्च, ज़्यादा डाल देता हूँ थोड़ी, साथ में हल्दी पाउडर, चलो भाई तेल भी गरम हो चुका है, तो चिकन डाल देते हैं इस पे। भाई तो मैंने अभी सारे डाल दिए क्योंकि ये अच्छे से पक जाएंगे अंदर से तक, उसके बाद जाके इनमें से कुछ पीस रख लूँगा मैं पकौड़े के लिए, और कुछ को मैं चावल के साथ ग्रेवी बना लूँगा। तो चलो भाई ये पकौड़े बन चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलो भाई बाकी तेल अपना बचा ही हुआ है पकौड़े का, तो इसी में प्याज भून लेते हैं। तो देखो प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो उससे टमाटर भी जो है हम ऐड कर लेंगे। अब इस पर थोड़ी हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं, जो कि इसके स्वाद को बढ़ाएगी, और साथ इसमें थोड़े थोड़े मसाले और ऐड कर लेंगे क्योंकि उसपे कम ही डालते मैंने। धनिया पाउडर और साथ में लाल मिर्च, साथ ही इसमें पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। तो देखो भाई क्या बढ़िया ग्रेवी बनी है, तो इससे अब चिकन मसाले के साथ चिकन को भी ऐड कर लेते हैं।
साथ ही इसमें चिकन मसाला भी ऐड कर लेते हैं। तो इसे कम ही डालूंगा भाई, क्योंकि एक पैकेट में तो बहुत होता है, बस इतना इनफ है। तो देखो भाई क्या मस्त ग्रेवी बनी है यार, हाय हाय। तो चलो भाई अब जाके ग्रेवी बन के रेडी हो चुके है, तो इसे निकाल लेता हूँ वरना ये ज़्यादा जल जाएगी। चलो भाई अब जाके बॉनफायर का काम हो चुका है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा टेंट से दूर रख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, ये टेंट जला सकता है रात में, तो इसे थोड़ा दूर करते हैं। तो चलो भाई अब जाके काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फटाफट से खाना खा लेता हूँ एक बार। और साथ में देखो चिकन पकौड़ा। तो चलो भाई अपनी थाली रेडी है, इसमें थोड़ा सा सलाद ले लेंगे, जो कि मैंने प्याज बचा के रखा था स्टार्टिंग से ही, और इसके साथ आएगा एक छोटा सा नींबू, अब जाएगा इस पे भाई नींबू का रस, देखो दोनों हाथों से। तो चलो भाई अपनी थाली रेडी है, अब फटाफट लपक लेता हूँ थाली पे, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है। और ये देखो भाई ये है चिकन पकौड़ा, जो कि बड़ा मस्त बना है। सारे मैंने चिकन पकौड़े बनाए थे, लेकिन बाद में कुछ ग्रेवी के लिए रख लिए थे, बाकी ये अपना आज का गुड डिश रहने वाला है। तो चलो भाई फटाफट खाते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। फटाफट से लपक लेता हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग चुकी है, अब रहा नहीं जाता, लग चुकी है। और ये रही पहली बाइट, साथ में लेग। वाह भाई मजेदार बना, तो फटाफट से फिनिश करता हूँ। अब जाके देखो बढ़िया से खाना खा लिया, और टेंट मैंने बढ़िया से अपना सेटअप कर लिया, बाकी बिस्तर मैंने देखो लगा लिया, और टेंट मेरा पूरा सेट हो चुका है। अपना सामान मैंने साइड पे रखा है, और एक बढ़िया सा गद्दा नीचे भी रखा, साथ ही ओढ़ने के लिए भी रखा है। तो अब करते हैं भाई सोने की तैयारी, और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में एक बढ़िया नज़ारों के साथ। तो चलो भाई अब जाके मैं बढ़िया करके टेंट के अंदर आ चुका हूँ, और
यहाँ जाके भाई थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है, बाकी बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। अब एकदम जो है यहाँ ठंडा बढ़ चुके हैं, कल तक तो हल्का हल्का ठंडा और था, आज तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो अब जाके सोने की तैयारी करता हूँ और मिलेंगे भाई आपसे कल सुबह एक बढ़िया नज़ारों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, और मैं भी सो जाता हूँ अभी के लिए। चलो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, और हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। बाकी रात की नींद जो है अच्छे से आ गई थी और अभी तक जो है आँख में दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ ही अब निकलते हैं टेंट से बाहर और देखते हैं यहाँ का एक प्यारा सा व्यू। तो चलो भाई पीछे देख सकते हो आप टेंट, और बाकी कल रात जो है हल्का सा टेंट मैंने इधर शिफ्ट कर लिया था क्योंकि उस साइड कुछ लोग आए हुए थे, तो जिसके चक्कर में मैंने टेंट शिफ्ट कर लिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। साथ ही इस साइड देख सकते हो भाई यहाँ से धूप निकलने वाली है, और ये देख सकते हो बर्फ़ के पहाड़ जहाँ की धूप निकल चुकी है। चलो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और काफ़ी देर से रुका हूँ भाई धूप निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो धूप तो निकल नहीं रही है। अब करते हैं फटाफट से पैकिंग और निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ और धूप आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही, अभी भी बहुत दूर है। तो चलो भाई अब जाके सारी पैकिंग हो चुकी है और बैग मेरा हो चुका है रेडी, तो निकलते हैं यहाँ से घर की ओर और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।